नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण। प्रलोभन एक तेज आंधी के समान है, जो मजबूत चरित्र को भी यदि वह सतर्क न रहे गिराने की शक्ति रखता है। जो व्यक्ति सदैव जागरूक रहता है वह ही संसार का नाना प्रलोभनों आकर्षणों मिथ्या दंभ दिखावा टिप टाप से मुक्त रह सकता है। यदि एक बार आप प्रलोभन और वासना के शिकार हुए तो वर्षा उसके प्राश्चित करने में लग जाएगी। धर्म के लिए धर्म के कारण कभी कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ों का कारण है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ है सक्रियता, अनुदारता, स्वार्थपरायणता, अहंकारिता या दूषित मनोवृत्ति। जिस क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है वही समाज में बाढ़ विद्वेष द्रोणा शोषण उत्पीड़न क्रूरता तथा अनाचार का बोलबाला कर देती है। द्वेष और ईर्ष्या की जननी मानवता की शत्रु इस राक्षसिक का परित्याग करना ही उचित है। जुआ का व्यसन हर तरफ से हानिकारक और पतनकारी है। जो हारता है वह तो तरह तरह की आपत्ति में फंस जाता है, पर जो जीतता है वही उसे मुक्त क्या माल समझकर तरह तरह की दुर्व्यसनों और खराब कामों में खर्च कर लेता है। इससे उसकी आदत बिगड़ती है और बाद में अपनी कमाई को भी हानिकारक व्यसनों में खर्च करने लग जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन की क्षण। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भक्त होकर लोगों से कहो, उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्न मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए अति अधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है। तो ले जाने दो, वे जितना सिद्ध व जाए उतना अच्छा ही है। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। वह कि जिस युग में जन्मा है उससे उस बहुत आगे जाना पड़ेगा। किंतु साधारण लोग किसी तरह रेगते रेगते ही आगे बढ़ सकते हैं। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ अच्छा है वहाँ उसका प्रयोग करो। उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होती है। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का प्रयोग। एकाग्रता सीखो और जिस और अच्छा है उसको प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेगा। चिरकाल तक किसी को शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में दौड़ कपट समा गया है। चाहे चरित्र चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ व्रत बन सके। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव।